वालेकुम लेक्चर एटी स्टार्ट कर दिया जी हमने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे हो गए थे दोनों दो थे ना कि तीन थे तीनों हो गए थे नहीं किए क्या किस में जी तीनों क्वेश्चंस किए थे तीनों हो गए थे मसला है जी किस किस में नहीं किया होमवर्क हूँ मसला तो नहीं आया भाई क्या मसला है जल्दी बताओ किसमें आया एसोसिएट वाले में हाँ तो ऐड तो ही करते हैं जी मैंने आपको कहा था दो चीज़ें जो आप भूल जाते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इनकम में दो चीज़ें जो आप भूल जाते हैं पहली चीज अगर नेगेटिव गुडविल है तो उसको अदर इनकम में ऐड करना आप भूल जाते हैं और अगर पी ने अपनी अदर इनकम के अंदर एसोसिएट का शेयर ऑफ डिविडेंड रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो भी माइनस करना आप भूल जाते हैं पीज़ uh, शेयर ऑफ एस डिविडेंट तो ये दो चीज़ें नहीं भूलनी तो आप उसी आपको समझ नहीं आ रही थी अदर इनकम पेरेंट की अदर इनकम है ना ये नेगेटिव गुडविल ठीक है तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर पेरेंट और सब्सिडी की अदर इनकम आ रही है तो पेरेंट की अदर इनकम में अगर नेगेटिव गुडविल असल में नेगेटिव गुडविल क्या है हम वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं कंसोलिडेशन करते हुए तो उस वक्त वो निकलती है सेपरेट फाइंस स्टेटमेंट्स में तो वो नहीं ना पड़ी होती सेपरेट फाइनेस स्टेटमेंट्स असल में हमारा हर रोज़ स्टार्टिंग पॉइंट हर सवाल में क्या होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इसीलिए 10 साल पहले भी सब्सिडी खरीदी हो तो हम वर्किंग वन उस वक्त करते हैं खड़े होकर और गुडविल निकले तो फिर 10 साल में जब जब इम्पेयर होता है इम्पेयर कर रहे होते हैं और अगर नेगेटिव गुडविल है तो वो तो अगर इस साल के अंदर ही ये एस ये सब्सिडी हमने इसी साल में एक्वायर की है और नेगेटिव गुडविल आई है तो उसको हमने अदर इनकम में ऐड करना है और अगर यही सब्सिडी तीन चार साल पहले ख़रीदी होती तो फिर नेगेटिव गुडविल इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर यहाँ पर ऐड नहीं होती ठीक है।, है ना तो अब इस सवाल के अंदर क्या होगा हमने सब्सिडी इसी साल में खरीदी होगी देख लें हाँ तो फिर इसलिए इस साल में नेगेटिव गुडविल ऐड होनी है ठीक है ना ये सीआरी में भी इस साल में सीआरी में भी नज़र आएगी और ये साल में अदर इनकम में भी ऐड होगी अगर कि दो तीन साल पहले अगर हमने खरीदी होती तो फिर फिर ये नेगेटिव गुडविल सीआरी में तो आती लेकिन पी एन एल फॉर द ईयर होता है फिर उसमें ना नज़र आती बिल्कुल जैसे जैसे वो गेन आया था तो मैंने कहा था अगर पिछले साल का गेन है तो पी एन एल के फेस पर नहीं आएगा गॉट इट अच्छा जी उसके बाद क्वेश्चन uh, नंबर कौन सा था जहाँ पे मैंने यहीं पे यहीं ही बनाया था वो वाली एडजस्टमेंट जरा दोबारा जल्दी से रिवाइज़ ना कर लें हम ये ये बात समझ आ गई थी हमने क्या करना है हमने इस रेड डॉट को देखना है अगर तो ये अदर इनकम है इन्वेस्टमेंट इनकम जो थी अगर ये इन्वेस्टमेंट इनकम डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले है तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना ठीक है और इसको जब यहाँ से माइनस करना है तो बाकी को बांटने के बाद ऐड करना है इसको प्री वाले में ताकि कुछ के अंदर ऐड हो और अगर यही रेड डॉट डेट ऑफ एक्सीजन के पहले की बजाय डेट ऑफ एक्स के बाद आ जाए तो फिर यहाँ पर बटा नहीं लगाना सारे की सारी इनकम फेस पे हमारी वाली है ठीक है और जब यहाँ से माइनस करना है तो प्लस कहाँ पर कर रहे होंगे आप पोस्ट वाले हिस्से में जो वर्किंग फाइव में जाना है ठीक है इसमें कोई मसला है तो बताएँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दोनों तरह से हमने देख ली थी लेकिन इनकम को देखा था अब किसी वक्त में किसी एक्सपेंस को भी देख लेंगे किसी दिन ठीक है कोई एक्सपेंस भी ऐसा हो सकता है जो सारे का सारा इस डेट ऑफ एक्सन से पहले खड़ा हो या सारे का सारा इस डेट ऑफ एक्शन के बाद खड़ा हो तो उस एक्सपेंस के साथ भी वही असर करना है लेकिन उसका ज़रा तरीका ऑपोजिट होगा जाहिर है ये इनकम है और वो एक्सपेंस होगा ठीक है ना सही है वो देख लेंगे वो देखेंगे अभी मैं, मैं बात नहीं करना चाह रहा उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ ज़रा ये पक्का हो ले ठीक है ना तो ये दोनों आपको समझ आ गए थे ना अच्छा जी अच्छा बच्चों अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं अगर एंड पे पाँच सात मिनट बच गए तो आज सब्सिडी के वो स्टार्ट वाले पेजेस एक दो कर लेंगे ठीक है आ, जी बेटा बंद करवा दें भाई एसी मैंने कहा था बंद करवा देंगे एसी अच्छा जी हम बात ये कर रहे थे कि अगर हमारी कहीं पर शेयर होल्डिंग जो है वो पचास परसेंट से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी सब्सिडरी कहलाती है ठीक है।, है जी और उस पर हम जो मेथड लगाते हैं वो एक्विजिशन मेथड है और हम कहते हैं कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन पे जिसके हमने पचास परसेंट से ज़्यादा शेयर्स ख़रीद लिए हैं इस पर अब हमारा क्या है बता सकता है कोई क्या होता है पचास ज़्यादा शेयर होल्डिंग खरीदें तो क्या होता है हमारा होता। कंट्रोल होता है क्या होता है जी कंट्रोल होता है ठीक है जी और इसकी अकाउंटिंग हमें ये जो एक्विजिशन मेथड वाली अकाउंटिंग है ये हमें सिखाई थी आई एफ आर एस थ्री और टेन में आई एफ आर एस थ्री और टेन फिर हमने बात की अगर को हमारी एसोसिएट है यानी कि बीस से पचास परसेंट किसी के शेयर्स हमने ख़रीदे हुए हैं हम इक्विटी मेथड लगाएंगे जो मैंने कल सिखाया था बुनियाद बनाई थी आज इसको फुल फ्लाई सवाल करेंगे वो भी बंद करना है अच्छा तो इसके ऊपर कंट्रोल तो हमारा नहीं होता इसके ऊपर हम हम कहते हैं जी हमारा होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है और इसकी अकाउंटिंग हमें सिखाता है आई एस ये इक्विटी मैथड अकाउंटिंग हमें कौन सिखाता है जी आई एस स्टैंडर्ड का नाम आई एस है ठीक है और अगर हम एफ़ ई टी पी एल अगर हम शेयर्स ख़रीदें बीस परसेंट से कम कम किसी के तो ना तो हमारा उस पर कंट्रोल है ना ही हमारा उस पर कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बस हमें एक ऑर्डिनरी मैंगो से शेयर होल्डर होते हैं उसके ठीक है तो इसकी अकाउंटिंग हमें सिखाता है आई एफ आर एस वो कहता था कि एफ ई टी पी एल या शेयर्स को एफ ई टी पी एल इन्वेस्टमेंट शेयर्स को एफ ई टी पी एल या एफ ई टी ओ सी आई में रख सकते हैं ठीक है ये अपडेट कर लें अपना टेबल जी बच्चों क्वेश्चन कौन सा होमवर्क में था क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस क्वेश्चन में था हैं? टू एटी फाइव पेज पे को मसला इसमें आया तो बिथ बहुत सिंपल था बहुत सिंपल था तो क्विकली ज़रा इसको देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रवानी आ जाए ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन था अब हमने कहा था जी कि 60 परसेंट सल्फर और 30 परसेंट आरसैनिक को इसने खरीदा हुआ है ठीक है तो क्या करना है जी हमारी सल्फर क्या है सब्सिडरी है और आरसैनिक क्या है एसोसिएट है तो सबसे पहला काम क्या किया था हमने पकड़ के आरसैनिक के सारी बैलेंस शीट को काट दिया था सिवाय रिटेन अर्निंग्स के ठीक है जी उसके बाद फिर बाकी सारा काम तो हम पी प्लस एस करते आए करते आए जहाँ जहाँ जिसने जाना था और दो चीज़ें जो रेलिवेंट थीं कल वाले सवाल में नई एक ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और दूसरा इसकी रिटेन ठीक है बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आप बना रहे थे ठीक है जी तो एक नई वर्किंग वजूद में आ गई उस वर्किंग का नाम क्या था जी वर्किंग सेवन ठीक है जी वर्किंग सेवन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ठीक है जी अब मैंने कहा था ये जो इन्वेस्टमेंट इन ए है इसको यहां से क्रेडिट करके वर्किंग सेवन में हम डेबिट करते हैं और यहाँ पे हम लिख लिया करते हैं कॉस्ट कितना था? कितना थर्टी उसके बाद मैंने वो कहा था हमें यहाँ पे चाहिए होती हैं पोस्ट आरी और पोस्ट आरी कैसे निकलती हैं क्लोजिंग माइनस प्री इनटू आपका शेयर ठीक है ना परसेंटेज इनटू परसेंटेज कर लो चलो इनटू परसेंटेज ठीक है अब सवाल के अंदर ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स हंड्रेड की जो होती थी ये आप यहां पे लिख लेते थे क्लोजिंग हंड्रेड और सवाल में आपको उसने अगली लाइन में बताया था रिजर्व ऑफ सल्फर एंड आरसाइनिक वेन द वर एक्वायर्ड वर वत्तर एंड बीस रिस्पेक्टिवली यानी कि प्री अर्निंग कितनी है बीस और कितने परसेंट आपने एक्वायर किया हुआ इसके शेयर्स को थर्टी परसेंट तो आंसर क्या आया अब ये ट्वेंटी फोर का की आप एंट्री करते थे डबल एंट्री क्या होती थी, थी इसकी सीआरई के अंदर इसको ये खुशी किसको होनी है पेरेंट को पेरेंट की इन्वेस्टमेंट ने ग्रो किया ना बोलो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट ने ग्रो किया कितने से ट्वेंटी फोर से तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और सी आर ई क्रेडिट यहाँ पर हम ले लेते थे ए आर ई यहीं पर पेरेंट की अपनी रिटेन अर्निंग्स भी आ रही होती थी यहीं पर ठीक है जी और उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी सवाल में तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कितनी निकली फिफ्टी ये फिफ्टी फोर उठ कर कहाँ चला जाता था बैलेंस शीट के अंदर फेस के ऊपर करंट एसेट से ऊपर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग सेवन 50, उसके अलावा बाकी तो सारा सिंपल क्वेश्चन ही था कोई मसला जरा रिवीजन की हमने ठीक है ना चल चलें जी अब आ जाएं। पेज 219 पर क्वेश्चन नंबर टू है आज हमारा फुल फ्लाई सवाल सब्सिडरी की बैलेंस शीट तो समझते समझते सब्सिडी वाली कंसोलिडेशन की बैंक को समझते समझते हमने कितने दिन लगा दिए थे काफ़ी सारे दस बारह दिन लग गए उन्हें है ना एसोसिएट की आज खत्म हो जाएगी ठीक है फिर कल इनकम स्टेटमेंट और फिर सब्सिडी असल में असल में सब्सिडी साथ चल रही है बेसिकली एडजस्टमेंट्स वही हैं सिर्फ एसोसिएट बीच में ऐड हुआ है ठीक है ना तो चेक करें आज भी हम बैलेंस शीट का सवाल ही पहले करेंगे कल से फिर इनकम स्टेटमेंट वो भी ले आएंगे और फिर ऑनवर्ड्स वो सारे मुश्किल मुश्किल बड़े बड़े सवाल वो आप लोगों पे भी फेंकने हैं मैंने डिस्कशन भी किया करूँगा आपसे भी करवाया करूँगा सवाल तो सारे ही डिस्कस कर रहे हैं जो आजकल आ रहे हैं ठीक है लेकिन सब्सिडरी को सीखना ज़रूरी है सब्सिडरी ही है उसमें मेन उसमें एसोसिएट भी अब मिक्स हो जाएगा ठीक है ना तो प्रिपेयर अ कंसॉलीडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जी प्रिपेयर आ प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजिशन ऑफ हमाची लिमिटेड एट इकतीस मार्च सोलह ठीक है जी अच्छा जी बैलेंस शीट बनानी है तो जी बच्चों इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ वन ईच रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग्स ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर अजीब से ही मामला चल रहा है और प्रॉफिट फॉर द ईयर और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं टेन परसेंट लोन नोट्स आ रहे हैं अकाउंट्स पेएबल हैं अच्छा ये सवाल ये सवाल यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम पी पी मैंने कहा शायद उलट हुआ है सवाल कोई मसला नहीं ये टू एटी फाइव वाला नहीं है सॉरी टू नाइनटीन वाला करेंगे जी ये तो बहुत आसान सवाल था फुल फ्लैश सवाल है दो सौ उन्नीस जहाँ पर हमारे सवाल चल रहे थे वहाँ पर आए बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जी ये प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 2018 इन अकॉर्डर्स आई एफ आर एस इसमें अब ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं सारी ही हैं काफ़ी हैं द फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इट्स एसोसिएट ए उसने खुद ही बता दिया है ठीक है फिर भी तसली कर लेंगे पी है इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है इकट्ठी इन्वेस्टमेंट्स हैं इसी के अंदर फिर शायद एस वाली भी हैं इसी के अंदर ए वाली भी हैं कोई अदर भी हो सकती हैं ठीक है फिर डेटर एस है डेटर ए है भाई सवाल पढ़ने से पहले एक काम करना चाहिए था लेकिन चलो पी एक्वायर्ड ट्वेंटी मिलियन शेयर्स अब वैसे ही चेक कर रहे हैं वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो चेक कर रहे हैं कि ट्वेंटी मिलियन शेयर्स अगर कैलकुलेटर भी मारें वैसे ही और एस के शेयर्स ट्वेंटी मिलियन इन्होंने लिए हैं और हैं ही कितने ट्वेंटी फाइव मिलियन है मैं ट्वेंटी मिलियन ही कहने लगा था ठीक है मैंने कहा हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी है एन सी आई को मौजे मारो तो कितने परसेंट यहाँ पे हमने ऐसे ही बस चेक किया टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय सॉरी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव जी एटी परसेंट सब्सिडरी पता तो होना चाहिए ना परसेंटेज का भी और उसके बाद ये आगे हमारे पास एटी परसेंट उसके बाद जी आ, आपने एट मिलियन शेयर्स खरीदे हैं एल के ये सारे सवाल में परसेंटेजेस लगनी होती हैं तो एट डिवाइडेड बाय और टोटल इसके थे ट्वेंटी इन टू हंड्रेड कितना बनता है जी तो ये आपने सबसे पहले परसेंटेजेस लगा लेनी ये सारे सवाल में इस्तेमाल होनी होती है ठीक है सही है अच्छा अब एसोसिएट है हमारी ए तो सबसे पहला काम क्या करना है हमने सबसे पहला काम करना है इसकी सारी बैलेंस शीट को उड़ा के रख रखने शेयर कैपिटल को भी उड़ा दें बस तो इसका इतना यूज है जो मैंने देख भी लिया परसेंटेज निकालने के लिए सिर्फ रिटेन अर्निंग्स को छोड़ दें ले Lange. ठीक हो गया अब सवाल होने को तैयार है अब सवाल के अंदर पी -E है इन्वेस्टमेंट्स हैं डेटर एस डेटर ए अदर करंट एसिड शेयर कैपिटल रिटर्न अर्निंग क्रेडिटर पी क्रेडिटर पी और अदर करंट लाइबिलिटीज़ और फिर अदर फाइनेंशियल अदर इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो शुरू करते हैं काम सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है ना तो हम सारा डाटा उठा लेते हैं ठीक है, है? यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ें तो फेस पर जाती हैं सिवाय रिटेन अर्निंग्स के ये वर्किंग थ्री की है ये रिटेन अर्निंग्स वर्किंग टू की हैं और ये रिटेन अर्निंग्स अब आपको पता है वर्किंग सेवन में जाया करती हैं ठीक है तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी हम बनाएंगे यहाँ पे पी ग्रुप है पीएल ग्रुप है पीएल ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन क्या कैच इन तीस जून दो हजार अट्ठारह उसके बाद जी हम वर्किंग नंबर वन बना लेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट बैंक जी वर्किंग नंबर टू हमारी एस आर ई वर्किंग थ्री हमारी सी थोड़ी सी आज इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा होनी है चार पाँच हो जाए सी आर और उसके बाद एन सी आई के बाद वर्किंग सेवन बना लेते हैं फिर ज़रूरत पड़ने पर वैसे तो पी एन एल का सवाल है नहीं तो वर्किंग फाइव ने भी नहीं आना मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी इनकम स्टेटमेंट वाले सवालों में नॉर्मली हम लेकर चल रहे होते हैं ज़रूरत पड़ी तो वर्किंग सिक्स भी बना लेंगे रिटेन अनिंग वाला कॉलम ठीक है ना और वर्किंग सेवन तो बाहर नज़र आ रहा है कि वो बनेगी ही तो सी आर और उसके बाद एन सी आई और जी वर्किंग नंबर सेवन न्यू एंट्री इसका नाम क्या है जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन ए डन जी शुरू करें जी काम पीपीई फोर थर्टी प्लस टू हंड्रेड प्लस कुछ नहीं आप मुझे को याद हुआ है तो फोर थर्टी प्लस टू हंड्रेड पीपीई फोर थर्टी प्लस टू हंड्रेड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स अब पता नहीं कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके अंदर तो ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक एक करके निकालते जाएंगे ठीक है तो सारी खत्म होगी तो सारी खत्म सही तो इन वेस्टमेंट्स जी कितनी है फाइव हंड्रेड नेक्स्ट डेटर एस थर्टी और डेटर ये पेरेंट कह रहे और डेटर ए पच्चीस तो यहाँ पे गुडविल की जगह छोड़ दें और एक अहम चीज जो अभी लिख लें मेरे ख्याल में तो कहीं भूल ना जाए ना आप गुडविल की एक लाइन छोड़कर जो चीज भूल जाने वाली है नई नहीं, नहीं है ना वो क्या है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वो अभी लिख लें इसकी कोई वर्किंग यहाँ पे होती नहीं है तो वर्किंग सेवन से ही बैलेंस आना होता है ठीक है तो इसको आप लिख सकते हैं ताकि मिस ना ना हो ठीक है उसके बाद क्या है जी नेक्स्ट करंट एसेट्स हैं इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या गिवन बने डेटर एस अच्छा डेटर एस कितना है जी थर्टी उसके बाद डेटर ए कितना ट्वेंटी फाइव और उसके बाद अदर करंट एसेट्स जी फोर फोर्टी प्लस फोर हंड्रेड नेक्स्ट शेयर कैपिटल पेरेंट का फेस पे सब्सिडरी का वर्किंग वन में शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है जी छः सौ सी। जी 600 सौ पेरेंट का कैपिटल छ सौ फेस पर आ गया और सब्सिडरी का वर्किंग वन कितना है दो सौ पचास अर्निंग्स पेरेंट की सीआरई सब्सिडरी की एसआरई 325 तीन सौ पच्चीस आ e रही -E, कौन सी वाली क्लोजिंग वाली कितनी जी फिर सब्सिडरी की क्लोजिंग तो ऐसा आ रही क्लोजिंग कितनी दो सौ ठीक है जी और तीसरी चीज क्या है जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अकाउंट में कॉस्ट आती है उसके बाद पोस्ट आर ई आती है जिसमें हम करते हैं ये फॉर्मेट का हिस्सा बना लेंगे ना हम ठीक है जिसमें हम क्या क्या करते हैं क्लोजिंग माइनस प्री और बाकी पर क्या लगा देते हैं शेयर परसेंटेज ठीक है तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग मुझे मिल गई है सवाल में से वो कितनी है 240 तो बाकी फिर अब देखते हैं और क्या आना है ठीक है तो ये तो आ गया ना 240 ठीक है जी उसके बाद क्रेडिटर पी है और आगे कुछ भी नहीं देखो कुछ है उधर लिखा हुआ है बेशक उधर लिखा हुआ है बेशक एक ही किताबों के अंदर वो कह रहा है मैंने पी के पच्चीस देने हैं लेकिन हमने तो उसको काट ही दिया ठीक है ना तो इसलिए ये उठाने ही कोई नहीं इसको उठाने की कोई ज़रूरत है बोलो उठाएं कैसे ठीक है खैर चले रिटेन अर्निंग से बाद ज़रा दो तीन चीज़ें तो और आती हैं ना वो तो लिख लें सी आर वर्किंग नंबर थ्री से आएगी एन सी आई वर्किंग नंबर फोर से आएगी और अब क्रेडिटर क्रेडिटर पी आपको नजर आ रहा है ये देखें क्रेडिटर पी कितना थर्टी बस एक ही है उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं थर्टी और उसके बाद क्या आ रहा है जी अदर करंट लाइबिलिटीज जी अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी है जी पाँच सौ जमा एक सौ बीस पाँच सौ जमा एक सौ बीस खत्म कहानी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये फिगर्स हैं इतनी है देख लें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और सिर्फ एक ये वाली पंद्रह यहाँ से सिर्फ एक ये उठाते हैं ठीक है सही है करें कहानी अब शुरू आ गए यहाँ तक किसी ने नहीं नोट किया तो जल्दी से ये कर लें ताकि फिर एडजस्टमेंट्स पर सबका ध्यान हो ना जी बेटा ये भी एसी बंद करा नहीं हुआ अभी तक बंद सिर्फ लाइट बंद की थी पाए तुमने पूरा ही बंद कर दें कर दें ये इधर ही रहे कैमरा इधर ही रखें इधर ही सवाल पे रखें कैमरा सवाल पे रखें कैमरा G done? Shall I have a pally adjustment? Following relevant information is available. PL acquired twenty million shares in SL. फॉर सेवेंटीन पर शेयर तो यहाँ से क्या निकल आएगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एस तो ट्वेंटी इंटू सेवेंटीन ये भी हमने किसी ज़माने में किया था किसी सवाल में यहाँ पर निकल आई तो इन्वेस्टमेंट इन एस ट्वेंटी मिलियन शेयरस हैं इंटू रुपीज़ सेवेंटीन पर शेयर इंटू रुपीज सेवेंटीन पर शेयर एंड वालों को पता नहीं नजर ही नहीं आ रहा पर शेयर जी तीन सौ ये एडजस्टमेंट अकाउंट में ले आओ यहां से निकाल लो समझ आती है बात ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो मसला आगे बढ़े और एंड एट मिलियन शेयर्स इन ए एल फॉर रुपीज सिक्सटीन पर शेयर तो इस एट मिलियन को हम सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ जाएगी जो यहाँ पे कॉस्ट हम शो करते हैं कितने की कॉस्ट हमें पड़ी थी ये ठीक है ना तो कितने शेयर्स जी एट मिलियन शेयर्स हैं और रुपीज पॉइंट टू फाइव पर शेयर लिखने की अब जगह नहीं है मेरे पास जी कितना वन थर्टी ये इन्वेस्टमेंट इन ए है तो इसको यहाँ से निकाल दो माइनस वन थर्टी क्रेडिट यहाँ से डेबिट वर्किंग सेवन में वहाँ पे फिर भी कुछ बच गई तो वो फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी कोई आई फरज नाइन वाली छोटी मोटी ठीक है कोई मसला यहाँ तक चलें आगे आगे कहता है ऑन जकम जुलाई पंद्रह और हम खड़े हैं तीस जून अठारह पे यानी काफी साल पहले की बात है हमने इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी ठीक है ना ऑन डेट ऑफ एक्विजीशन डेट ऑफ पर डेट ऑफ एक्विजिशन पर रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस एल एंड ए एल वर वन फोर्टी एंड वन हंड्रेड मिलियन रिस्पेक्टिवली तो प्री है एस की प्री कितनी है आर ई सिर्फ लिख दो एस की होती है आर ई कितनी वन फोर्टी ये एस की रिटेन अर्निंग्स आ गई वन फोर्टी और ए की रिटेन अर्निंग्स कितनी है जी एट डेट ऑफ एक्विजिशन प्री वाली हंड्रेड तो वो हंड्रेड यहाँ पे हम यूँ लिखते हैं ठीक है लेकिन इस सवाल इस 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 टॉपिक के अंदर जब ये एसोसिएट चल रहा होता है आपने साथ के साथ परसेंटेज लगाते रहना है ये याद रखना है ये मैं रेड से कर रहा हूँ ये रेड कोई गलती नहीं है सेपरेट ये मैं आपको इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगवा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर आई एस ट्वेंटी एट के अंदर आके जो भी ट्रांजैक्शन हो एसोसिएट से रिलेटेड आपने हमेशा उस पर अपना शेयर लगा देना उसको हमने कंट्रोल शो करते हुए हंड्रेड परसेंट नहीं रखना होता बस अपने हिस्से की बात करेंगे इसमें ठीक है तो इन टू फोर्टी परसेंट मैं तो जो दिलाओ नोटिस कर रहा हूँ तो रेड मार्कर ही पा जी तो क्या आंसर आता है ये फिफ्टी सिक्स की एंट्री क्या सिखाई है आपको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और सी आरई इन्वेस्टमेंट ने ग्रोथ शो की पेरेंट को खुशी हुई पेरेंट की तो इन्वेस्टमेंट थी ये। है ठीक है इक्विटी पे नज़र थी यहाँ तक को मसला सारा कल वाला काम चल रहा है अभी तक जी आगे बढ़ सकते हैं लोच पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा वसूल हो गया एडजस्टमेंट हैं अगली जी बच्चों क्या नजर आता है इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स आर इन वॉइसड एट अ मार्कअप ऑफ ट्वेंटी परसेंट यानी सेल फिर वन ट्वेंटी होगी और जहां पे हाँ मार्कअप ऑफ ट्वेंटी है ना तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सेल वन ट्वेंटी होगी जहां भी प्रॉफिट निकालना होगा तो वन ट्वेंटी से उस फिगर को डिवाइड करके ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करना है ठीक है मैं लिख नहीं रहा बड़े हो गए आप द रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आर एज अंडर तो सबसे पहले जनाब क्या है पी टू एस पुराने वाली कदीमी कदीमी चलो जो वहां पे पूरी आ गई वहां पे कर लेते हैं बाकी फिर इधर ले आएंगे ठीक है तो बल्कि एसोसिएट वाली दोनों यहीं पे कर लेंगे तो पी टू एस पुराने वाली तो वर्किंग नंबर एट यहां कर लेते हैं वर्किंग एट पी टू एस क्या तीन चीजें चाहिए होती थी हमें सोल्ड अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट पहले चीज का सवाल करते हुए ना हमें सोल्ड से को लेना देना होता है ना ही अनसोल्ड से हमें तो मकसद होता है अनसोल्ड के प्रॉफिट से ठीक है yes. लेकिन तरतीब तीनों चीजों की रखी हुई है इनकम स्टेटमेंट के सवाल भी अब कल से शुरू हो जाने हैं तो उसमें तो सब कुछ ही आता है आपको पता है सोल्ड भी होता है अब पी टू एस सोल्ड कितना साठ इंक्लूडेड इन बायर्स क्लोजिंग स्टॉक जिसने खरीदा था यानी अनसोल्ड कितना थर्टी ठीक है तो सोल्ड सिक्सटी अनसोल्ड थर्टी और अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट थर्टी ये, ये क्या है जी वन ट्वेंटी हमें चाहिए ट्वेंटी ये समझ आती है बात जी फाइव इस फाइव की एंट्री किसने बेचा किसने प्रॉफिट कमाया तो सीआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट ठीक है मतलब वही कंसोल्टेशन चल रही है बीच में एसोसिएट ऐड हो गया मकसद कहने का ये है कि तैयारी हमारी है इस सवाल एसोसिएट आया जो अब इसलिए अब असल में पहले एसोसिएट नहीं होता था, था। सिलेबस में आज से कुछ कुछ साल पहले तक जब वो आ गया तो सवाल भी उसके साथ मिक्स होकर आने लगे इसलिए पहले वाले सवाल आपको मिल रहे थे सिर्फ सब्सिडरी वाले और अब रिसेंट अटैम्प्ट के अंदर वो एसोसिएट के साथ ही कर रहे हैं इसको टेस्ट ठीक है तो अब एसोसिएट सीखना शुरू कर दिया अब दो दिन में हम इनशाला उनके काबिल भी हो जाएंगे ठीक है जी एंट्री सी डेबिट और स्टॉक क्रेडिट ठीक है तो ये क्या है जी ये स्टॉक है स्टॉक है और ये एस टू पी है पी टू एस है पी टू एस है अगर एस टू पी होता तो यहां पे क्यों आता सीआरई को क्यों हिट करते ठीक है और बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कुछ करना है अगर इनकम स्टेटमेंट का सवाल होता तो क्या करते सोल्ड को भी माइनस करते और वर्किंग फाइव को भी हिट करते यस yes, सर नहीं पी टू एस ने वर्किंग फाइव को हिट ना करते एस टू पी में करते यस yes, सर ये ऑटो पे लगा हुआ मैं इसी को चेक करता हूँ yes. हमेशा इस तरह के सवाल करके यार जाके बैठा करो जी अच्छा जी हो गया पी टू एस नेक्स्ट नेक्स्ट जी ए टू पी क्या है जी लो जी वही जिसका इंतज़ार था वो आ गया वर्किंग नाइन यहाँ पे कर लेते हैं ये क्या है जी ए टू जी बच्चों सोल्ड सोल्ड कितना है पचास अनसोल्ड बारह ये सामने सोल्ड पचास ए टू पी अनसोल्ड बारह और अनसोल्ड का प्रॉफिट प्रॉफिट वो जनाब इस बारह को पकड़ेंगे कहेंगे तुम 120 पे हो हमें तुम्हारे में से 20 चाहिए तो वो कितना आप कह रहे हैं जी लेकिन आपको मैंने एक बात कही है रेड मार्कर से पहले लिखकर कि इस टॉपिक में जो भी एडजस्टमेंट इसकी लॉजिक भी दूंगा थोड़ी देर में एंड पे जाके कहीं समझ आ गई तो ठीक है ना आगे तो पेपर तो फिलहाल पास करना सीखो ना एसोसीट की हर एडजस्टमेंट के साथ हमने फोर्टी परसेंट करना फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट करना ठीक है जैसे यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया दो इस दो को नहीं बल्कि इसके आगे एक और लाइन इस वर्किंग में ऐड हो जाएगी पीज शेयर क्या लाइन ऐड हो गई जी पीज शेयर दो का चालीस परसेंट कितना आता है पॉइंट एट ठीक है जी और इस पॉइंट एट की हमने एडजस्टमेंट किया करनी है जो भी करनी है ठीक है इसकी लॉजिक मैं दे दूंगा फिलहाल तो मैंने सिर्फ इतना आपको याद करवाना है कि एसोसिएट के टॉपिक में एसोसिएट के एसोसिएट अगर आ जाए ना ठीक है तो उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन एसोसिएट के साथ होगी उसके ऊपर हमने हमेशा क्या करना है उसकी अपना शेयर उसके ऊपर लगा लेना है ठीक है सही है सही है कि नहीं ये क्यों भाग रहा है मुझसे भागो मत भाई भागो मत मैं कुछ कह रहा हूँ आपको जी बेटा बेटा मैंने कहा कि आपने हर ट्रांजेक्शन पे फिलहाल फोटी परसेंट लगा देना मैं लॉजिक दे दूंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ठीक है सही है अभी दूंगा तो अभी जो बात सिखाना चाह रहा हूँ उससे तो हट जाएंगे तो एक बार ये सवाल पूरा कर लें फिर आप मुझे दोबारा सवाल कीजिएगा ठीक है फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आ गई तोहफा भी आना आई तो कोई नहीं कल फिर कोशिश कर लेंगे आने लग जाएगी समझ इंशाल्लाह फिलहाल तो सिर्फ इस चीज़ को याद करो जो हमारी वर्किंग थी उस वर्किंग में एक नई लाइन ऐड हुई है क्योंकि ये वर्किंग एस टू पी या पी टू एस नहीं है बल्कि इसमें ए इन्वॉल्व हो गया अच्छा ए टू एस हो तो हमें उससे कोई लेन देना नहीं है हमारा मसला क्या है ए टू पी या पी टू ए जो भी ट्रांजेक्शन हमारी एसोसिएट के साथ होगी सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही करके एंड पे आपने ये काम करना है जैसे को आपस में फिक्स एसिड बेचेंगे सब कुछ करने के बाद एंड पे जो आंसर आएगा तो फिलहाल ये याद रखें उसके बाद इसकी लॉजिक देता हूँ फिलहाल इसको पक्का तो करें ठीक है अब हमने इसकी पास करनी है जनाब एंट्री क्या पास करनी है जी एंट्री किससे पास कर रहे हैं हम पॉइंट एट से बैलेंस शीट का सवाल करते हुए एंट्री पास करेंगे हम पॉइंट एट से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इनकम स्टेटमेंट का सवाल में क्या करना है इंशाल्लाह आज एंड पे देखेंगे उसकी भी डिस्कशन कर लेंगे ताकि कल जब इनकम स्टेटमेंट करें तो ये वाली डिस्कशन पहले ही पड़ी हो ठीक है सोल्ड अनसोड़ वाली एडजस्टमेंट की जी मुझे बताओ किसने प्रॉफिट कमाया पहले पहले किसने बेचा तो प्रॉफिट किसने कमाया तो का प्रॉफिट कहां पड़ा है नहीं का प्रॉफिट तो ये पड़ा है ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है सीआर -E में पड़ा है भाई वो तो हमने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराया था और प्रॉफिट अपने पास यहाँ पे रख लिया ये पड़ा है हमारे पास ए का प्रॉफिट ए का प्रॉफिट कहाँ है तो इसका मतलब मौजे लग गई ए ने भी कमाया है तो हमने चूंकि अपने शेयर के साथ खेलना शुरू कर दिया तो हम कहेंगे जी किसने बेचा ए ने किसने प्रॉफिट कमाया ए ने ए के प्रॉफिट्स कहाँ पड़े हैं सीआर -E. पी के प्रॉफिट्स भी यहीं पड़े हैं ए के प्रॉफिट्स भी यहीं पड़े हैं एस का भी शेयर यहीं पे एस के प्रॉफिट्स भी यहाँ पड़े होते हैं हमारा शेयर ये भी हमारा शेयर है ठीक है ना तो किसने बेचा ए ने किसने प्रॉफिट कमाया ए ने तो ए के प्रॉफिट्स पड़े कहां पे हैं सीआर में तो इसको क्या करो डेबिट कर दो तो सीआर डेबिट डेबिट क्या करोगे सीआर और क्रेडिट क्या करोगे अब किसके पास ये स्टॉक पड़ा होगा अनसोल्ड किसने बेचा है ए ने किसने बेचा है ए ने तो प्रॉफिट किसने कमाया ए ने तो प्रॉफिट ए का कहाँ पड़ा है सीआरई में तो इसको डेबिट करके हमने आपस का प्रॉफिट कैंसिल कर दिया अब अगली बात आई ये ए ने तो बेचा था खरीदा किसने था पी ने तो किसके पास ये अनसोल्ड स्टॉक स्टॉक किसके पास पड़ा है पी का स्टॉक कहाँ पे पड़ा है पी का स्टॉक पड़ा है कहाँ पे? करंट एसेट्स में तो करंट एसेट्स को आप क्रेडिट कर दोगे क्रेडिट कर दोगे आप स्टॉक ठीक है जी कितने से पॉइंट एट से ये एडजस्टमेंट दोबारा करते हैं जरा तो एक बार मैं लिख लू जी किसने बेचा किसने बेचा और तो बोलो नहीं नहीं। ए ने प्रॉफिट किसने कमाया प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं तो सीआरई को क्या कर दो डेबिट पॉइंट एट किसने खरीदा नहीं। नहीं। तो अनसोल्ड स्टॉक किसके पास पड़ा है पी के पास तो पी का स्टॉक कहाँ नजर आ रहा है ये 440 के अंदर ही ये पड़ा होगा ठीक है तो पी के स्टॉक को क्या कर दो क्रेडिट कर दो पॉइंट एट या हमने आपस के प्रॉफिट को रिवर्स कर ठीक है इसकी पोस्टिंग कर लें अब, एंट्री समझ आइए कैसे करना ठीक है तो पॉइंट एट से सीआरई डेबिट और पॉइंट एट से स्टॉक क्रेडिट अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ये स्टॉक क्या यू था यू आर पी स्टॉक बस स्टॉक ही लिख लो काफी है स्टॉक लेकिन ये क्या है जी ए टू पी है चलें आगे स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो ये शेयर्स के अंदर जो पैसे लगाए हैं वो है गौर तो करो जरा शेयर्स खरीदे हमने जितने के वो हमने कॉस्ट डाली है और फिर उन शेयर्स ने जितनी ग्रोथ शो की है वो ग्रोथ ही हमने इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में डाली है टू फोर्टी के अंदर जीरो पॉइंट एट नहीं है दूसरी तरफ जो हमने कर लिया एक तरफ से रिवर्स करना है ना प्रॉफिट तो एक तरफ ही पड़ा हुआ है हमने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करा के एसेट को बढ़ा के प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड किया है ये एसिड बढ़ा जैसे गेन आता था तो बढ़ के गेन कहाँ जाता था पीएनएल में तो गेन तो किया हुआ है एल में तो उसी गेन को रिवर्स कर रहे हैं ठीक तो है।, है अच्छा अब वो जो खुशियां आप मना रहे थे उसमें थोड़ा सा हमने काम कर दिया ओके कोई नहीं कोई नहीं ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएट इन है इसकी खसूसियत है पहले एक दो दिन ऐसे ही लगता है आपको कहा आपका नाम क्या है मेरा नाम क्या है उसके बाद फिर आप थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं ठीक है लेकिन इनशाला स्लो स्लो करेंगे नो इश्यू नेक्स्ट वर्किंग नंबर टेन जी वही करने लगे हैं वर्किंग टेन पी टू ए वर्किंग टेन क्या है जी पी टू ए ही कर रहा हूँ नेक्स्ट क्या रहा हूँ जी पी टू ए ही आज ज्यादा यही था पी टू ए जी सोल्ड तीस अनसोल्ड बारह ग्रुप का उन्होंने बता दिया ना इंटर कंपनी सेल्स ग्रुप की बीस परसेंट में सबके ऊपर वही लग रहा है ठीक है ना तो तीस और तीस और चौबीस तो सोल्ड थर्टी अनसोल्ड ट्वेंटी चार और अनसोल्ड का प्रॉफिट अब हमने ट्वेंटी फोर को कहा जी तुम एक सौ बीस हो हमें बीस चाहिए कितना है जी ये चार लेकिन साथ ही आपको ख्याल आया ये तो एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन है तो प्लीज़ शेयर निकालना पड़ेगा इसमें जी फोर इन पी टू ए है ना एसोसिएट के साथ क्यों कर रहे हैं ये ये अभी बताता हूँ ये ज़रा एक बार ट्रांजेक्शन एक बार ये पूरी कर लो ये अलग से मसला है ना पहले ये मसला तो हल कर ले ठीक है चलो आगे सवाल में नहीं जाऊंगा लेकिन ये एडजस्टमेंट्स पूरी कर लो एक बार इनको इनका हाजमा दुरुस्त हो जाए फिर मैं कोशिश करूंगा समझाने की ना आई तो फिर कल पे डालेंगे फोर्टी परसेंट इंट ये वन पॉइंट सिक्स ये हमारे लिए रेलेवेंट है ठीक है बच्चों और सही है अब इस वन पॉइंट सिक्स से हम एंट्री पास करेंगे अब एंट्री को बड़े गौर से देखिएगा किसने बेचा ये कब करें हम कंसॉलिडेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का सवाल करते हुए किसने बेचा पी ने किसने कमाया प्रॉफिट पी ने पी के प्रॉफिट्स कहाँ पड़े हैं खूबी सीआरई में पड़े मौजे कह रहा हूँ मौजे लग गई यहां पे थोड़ा एक दो दिन लगेंगे हजम करते हुए लेकिन है मौजे ठीक है तो डेबिट कर दो कंसोलिडेटेड रिटेन को वन पॉइंट सिक्स से अब किसने खरीदा था ए ने किसके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है तो ए का स्टॉक कहाँ पे है ओ का स्टॉक तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है अब जब भी ये सिचुएशन आएगी तो आज आके हम अपना जोर फिर इन्वेस्टमेंट पे निकाल दिया करेंगे ठीक है अब आप कह सकते हो कि वो उसके पास जो स्टॉक पड़ा है वो बेसिकली एसिड्स के अगेंस्ट इक्विटी होती है लेकिन इस गहराई में ना जाओ फिलहाल ना जाओ आज पहला दिन है ठीक है ना जो आप सोच रहे थे फिलहाल क्या कह रहा हूं मैं सादा बात किसने बेचा पेरेंट ने तो प्रॉफिट किसने कमाया पेरेंट ने तो पेरेंट का प्रॉफिट कहाँ पड़ा है सियारी में तो उसको क्या कर दो डेबिट कितने से वन पॉइंट सिक्स ठीक है फिर किसने खरीदा था ए ने ए के स्टॉक में अनसोल्ड पड़ा है लेकिन ए का स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं हमारे पास तो पी और एस का स्टॉक पड़ा है ए का स्टॉक कहाँ से है ये तो हमने यहां पे काट दिया था हम तो करंट एसेट्स को लेकर ही नहीं आए यहां पर यह देखो इनमें पड़ा होना था स्टॉक लेकिन ये हमने उठाया ही नहीं तो एक का स्टॉक जब हमें नजर नहीं आएगा तो जो भी जोर हमारा होगा वो फिर हमारा निकल जाया करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर ठीक है इन्वेस्टमेंट इन ए इन्वेस्टमेंट इन ए तो वन पॉइंट सिक्स से इसको क्रेडिट तो डेबिट सीआर डेबिट सीआर क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन ए फिर सुनो आखिरी बार किसने बेचा पेरेंट ने प्रॉफिट किसने कमाया पेरेंट ने तो पेरेंट का प्रॉफिट कहां पड़ा है सीआरई में तो कर दो डेबिट ठीक है अभी इनकम स्टेटमेंट के बारे में नहीं सोचना एंड पे कर लेंगे बात उसकी भी कल कर रहा है इनकम स्टेटमेंट वाला सवाल ठीक है ना किसने खरीदा ए ने ए के स्टॉक में पड़ा है लेकिन ए का स्टॉक ही हमारे पास नहीं पड़ा कि वहां से निकालें तो आज आके जोर कहा निकाल देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो गया क्रेडिट ठीक है अब यहां पे क्या लिखोगे स्टॉक और ये पी टू ए यानी मौज की बात यह है कि अगर पी टू ए हो या ए टू पी हो जो प्रॉफिट की रिवर्सल है वो सीआरई में होनी है उसकी वजह पी का प्रॉफिट भी सीआरई में पड़ा है और ए का प्रॉफिट भी सीआरई में पड़ा है हाँ ये मसला ज़रूर है अगर ए ने बेचा है तो ए का प्रॉफिट तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा स्टॉक पी के पास पड़ा है तो पी का स्टॉक भी यहाँ से कम कर सकते हैं लेकिन अगर पी ने बेचा है तो पी का प्रॉफिट तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा लेकिन स्टॉक में ए के पड़ा है अब ए का स्टॉक चूंकि हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं तो हम जोर किस पे निकाल देंगे इन इन्वेस्टमेंट ठीक है यहां पे क्या आ जाएगा स्टॉक पी टू ए वैसे तो यार एंट्री ये बनती है ना यहां पर मैं लिखूं यहां पर सीआरई और यहां पे लिखूँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लेकिन ये आपको समझाने के लिए जस्टमेंट लिख ऐसे ही लिख लें ठीक है ताकि आपको समझ आती रहे तो क्या एंट्री पड़ी सीआर डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट अब मैं कोशिश करता हूँ आपको वो बात समझाने की कि फोर्टी परसेंट क्यों करते हैं अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है नहीं तो उससे भी अच्छी बात है पेपर तो पास इससे ही हो जाएगा जितनी बात आपको कर दी है एंट्रीज आपकी इंशाल्लाह सही हो जाएंगी पेपर आपका पास हो जाएगा और फिर जब कभी पढ़ाने लगना तो बैठ के लॉजिक सोच लेना फिर बच्चों को बताने के लिए गोलियाँ कराने के लिए ठीक है देखो बच्चो पेरेंट एक एंटिटी है पेरेंट ठीक है जी और इस पेरेंट ने एसोसिएट का कितने परसेंट एक्वायर किया हमने okay. एसोसिएट का इसने आ, ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया तकरीबन इतना ही ठीक है फोर्टी परसेंट इसने क्या किया हुआ है एक्वायर किया हुआ ठीक है अब मैं बीइंग अ पेरेंट मुझे जो कंसर्न होगा वो किससे होगा देखो आपस से आपस तो कुछ है नहीं मैं अगर पेरेंट हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर इस फोर्टी परसेंट से गर्ज है ये मेरी आपस की बात है बाकी तो वैसे ही मेरे लिए बाहर की दुनिया है यानी कि इनके लिए समझो मैं एन सी आई हूँ ठीक है ना तो पेरेंट जो है वो किसको देख रहा होगा एसोसिएट के अंदर जो कुछ भी है उसके फोर्टी परसेंट को बाकी सिक्सटी परसेंट से उसको कंसर्न ही नहीं है इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम फोर्टी परसेंट से मल्टीप्लाई करके चलते हैं असल मामला सब्सिडी का दूसरा था सब्सिडी के तो सारी की सारी के ऊपर हमारा कंट्रोल है उसको तो हंड्रेड परसेंट हम ही देख रहे हैं और उसमें से फिर हम किसी को अलग कर देते थे लेकिन यहाँ पे हम एसोसिएट के अंदर कंसर्न ही सिर्फ किसके साथ हैं हमें क्या लेना देना बाकी साठ परसेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें तो हमारी नज़र भी इसीलिए सिर्फ किस पे है प्रॉफिट्स पे हमने सारे एसेट्स लाइबिलटीज कंट्रोल को कहते हुए ऐड अप नहीं किए हमारी सिर्फ नज़र ही किस पे है प्रॉफिट्स पे और वो भी कितने थे फोर्टी परसेंट तो हमें हर चीज़ में उस फोर्टी परसेंट के साथ ही खेलना है ठीक है बहरहाल ये बात उम्मीद है आपको समझ अभी सही से नहीं आई होगी इन कल दोबारा कोशिश कर लेंगे ठीक है ये कौन है ये कोई और हैं ये कोई और हैं ठीक है थीके? हमें कोई और से कोई लेना देना नहीं है हमें किससे कंसर्न है अपने फोर्टी परसेंट ठीक है कोई और जो मर्जी करता रहे ठीक है हो सकता है कोई और एक ही बंदा हो तो उनके लिए वो क्या बन जाएगी उनके लिए वो कोई और जो है उनकी अपनी कंपनी होगी तो वो उसको बैठ के उसकी डिसीजन मेकिंग करेंगे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो यूं समझ लें कहानी कुछ इस तरह से चल रही होती है इसमें यार वैसे ये तो बिल्कुल ही मिट जाएगा या चलिए मिटा दूँ एक मिनट एक और तरीका भी है मेरे पास ये क्या है जी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस इससे से हमें कोई लेना देना नहीं है ये क्या है कोई और ये क्या है जी कोई और ठीक है अब ठीक है ना तो हमारे लिए क्या रेलिवेंट है सिर्फ अपना फोर्टी परसेंट ठीक है कोशिश करूँगा इसको कल फिर किसी वक्त समझा दूँ फ़िलहाल तो चलें काम तो ऐसे हो रहा है इतनी सी बात से कि जो भी ट्रांजेक्शन एसोसिएट के साथ हो उसको आपने हमेशा पहले क्या करना है फोर्टी परसेंट और उसके बाद फिर आपने उसको रिकॉर्ड करना है इसको एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लें ए टू पी किसने बेचा ए ने असल बात यह सीखने वाली किसने किसने प्रॉफिट कमाया ए ने ए के प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं सीआरई में तो करो उनको रिवर्स पॉइंट एट किसने खरीदा पी ने तो स्टॉक किसके स्टॉक में पड़ा है तो पी का स्टॉक ये पड़ा है तो इसमें से इसको माइनस भी कर दो क्रेडिट स्टॉक सेकेंड एडजस्टमेंट किसने बेचा पी ने किसने प्रॉफिट कमाया उसको वन पॉइंट सिक्स कर लिया है ठीक है तो पी ने बेचा प्रॉफिट भी पी ने कमाया है तो पी के प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं सीआरए में डेबिट करो किसने खरीदा ए ने किसके स्टॉक में पड़ा है ए के, ए के का स्टॉक हमारे पास यहां पे पड़ा ही नहीं है तो जोर किस में निकालेंगे इन्वेस्टमेंट ठीक है जी पिक्चर वगैरह लेनी हो तो ले लें मैं आगे जा रहा हूं नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसकी है देखो फिक्स्ड एसिड बेचा है चलो तो आपके लिए कौन सा मसला है ज़रा पढ़ो ट्राई मारो सब कुछ करने के बाद एंड पे अगर ये सब्सिडरी से हो तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे करने और अगर खुदाना खास था ये एसोसिएट के साथ हुई तो अपना शेयर ठीक है और बात वैसी चलेगी अगर पी ने बेचा अगर ए ने बेचा होगा पी को एसेट तो फिर तो पी के एसेट्स में पड़ा होगा दोनों इम्पैक्ट सामने नजर आ जाएंगे और अगर ए ने खुदा हम पी ने खुदा ना खास ए को बेचा हुआ तो एसेट्स लिए नहीं है तो फिर जोर जहाँ पे काम ना बने जोर किस पे निकाल देना है इन्वेस्टमेंट वो तो देखो नेट से करना है बैलेंस शीट में नेट से ही खेलते हैं जिंदगी जितनी आसान सादा रखो उतना अच्छा है आसानी किस में है सब कुछ नेट कर करा के फिर फोर्टी लगाओ बार बार क्या फोर्टी लगाते रहोगे जी बच्चों, ऑन यकम जनवरी अठारह हमारे साल के एंड दरमियान में पी सोल्ड एन आइटम ऑफ प्लांट टू ए चलो शुक्र है, है शुक्र नहीं है ए के पास तो ही, ये तो वही वाला मसला होना है इन्वेस्टमेंट में जोर निकलेगा है ना चले चले मैंने जहन बनाया एट अ प्राइस ऑफ वन सिक्सटीन पॉइंट टू मिलियन एट अ प्रॉफिट ऑफ एट्टी परसेंट और यार ये नहीं मुसीबत बीच में आ डिस्पोजल रिमेनिंग लाइफ Uh, यहाँ कर लेते हैं वर्किंग नंबर अलेवन वर्किंग एलेवन और वर्किंग एलेवन है जी पी टू ए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐसे ही है अच्छा बच्चों बनना तो डिस्पोजल अकाउंट है ऐसे ही है लेकिन उसने हमें क्या दिया है अभी तक सिर्फ कैश कितना जी सिक्सटीन पॉइंट टू उसके बाद मुझे बुक वैल्यू का नहीं पता कि मुझे पता हो गेन है कि लॉस है वैसे उसने ये बताया है कि अ प्रॉफिट ऑफ कुछ ठीक है ना लेकिन मुझे ये बताओ अगर सवाल खामोश है सी प्लस पी इज़ इक्वल टू एस अगर सवाल खामोश है कि उन्होंने सवाल इसे ये बोला है प्रॉफिट इज़ ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाट ऑफ कॉस्ट या ऑफ सेल सवाल चुप है तो क्या करेंगे नहीं कभी नहीं।, नहीं किसने कहा आपको किसने कहा ये आपको अगर आपने खुद कहा कैसे जी मैंने खुद कहा जी बेटा अगर सवाल चुप है ना प्रॉफिट की परसेंटेज हमेशा किसके साथ जोड़ा करो कॉस्ट के साथ ठीक है यानी पहली बात तो ये है कि ये नॉर्मल केस की बात कर रहा था लेकिन ये थोड़ा अब नॉर्मल केस है अब नॉर्मल केस क्या है पहली बात तो ये है कि यहाँ पर फिक्स एसिड के केस में ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल नहीं होता बल्कि ये बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल होगा ये ज़रा थोड़ा सा देख लो ये समझ में आती है बात कॉस्ट नहीं यहाँ पर फिक्स एसिडी केस में ये क्या होता है बुक वैल्यू क्या होता है ये बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल और अगर सवाल ने कह दिया ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट है तो आपने हंड्रेड हमेशा किसको लेना है और इसका ट्वेंटी ऐड करके ये वन ट्वेंटी बनाना है ठीक है ना आप सवाल को पढ़ लें ये बात समझ आई है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल यही हमारी क्वेजन है लेकिन ये फिक्स एसेट का केस है जो पुराना एसेट है जो बेचना है तो फिर कॉस्ट नहीं बुक वैल्यू रेलिवेंट होती है तो बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगी ना सही है प्रॉफिट बेचा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बुक वैल्यू से ऊपर जो मिले ऐसे ही बनता है अब जाके देखते हैं सवाल क्या कह रहा है सवाल कहता है ऑन जेकम जनडरी एनडीडी पी सोल्ड एन आइटम ऑफ प्लांट टू एट अ प्राइस ऑफ सोलह एट अ प्रॉफिट ऑफ एट्टी परसेंट अ प्रॉफिट ऑफ एटी परसेंट एटी परसेंट ऑफ वॉट सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट चुप है तो क्या करेंगे कॉस्ट को हंड्रेड लेंगे मार्कअप ही समझेंगे इसको हमेशा याद रखना आप ठीक है एटी इज इक्वल टू वन एटी ठीक है तो ये मैंने आपके लिए इक्वेजन बना दी अब मुझे बताएं अगर सवाल में वो कह रहा है कि एट्टी परसेंट प्रॉफिट है ठीक है और हंड्रेड हमें चाहिए हमें क्या चाहिए बुक वैल्यू चाहिए ना अब बो, बोलो ये सिक्सटीन पॉइंट टू जो है ये सेल प्राइस गिवन है हमें और बोलो नहीं ये सेल प्राइस है ना नहीं सेल प्राइस है ना यही सेल प्राइस है यही सेल प्राइस तो है जब प्रॉफिट अस्सी आया है तो हमने यहाँ पे बुक वैल्यू के साथ कंपेयर किया है ठीक है ना तो हमें अगर 16.2 से बुक वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कहेंगे कि 16.2 आप हो 180 पर हमें चाहिए है 100 तो आंसर क्या है अच्छा डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ये क्या आ गया जी नाइन तो गेन कितना आ गया गेन कितना आ गया पीएनएल वाला गेन बैलेंसिंग सेवन पॉइंट टू ये मैं कह रहा हूँ कि आपका डायरेक्ट भी निकल सकता था ये गेन गेन कैसे निकलता सिक्सटीन पॉइंट टू डिवाइड बाय वन एटी इंटू एटी करते लेकिन मैंने कहा ज़रा आपकी तबीयत इस तरह से बनी हुई है ना कि आप गेंद लेते हो फिर उससे आप बुक वैल्यू पकड़ते हो उसको सेल प्रोसीड से कंपेयर करते हो और गेन लॉस निकालते हो तो इसलिए मैंने उस तरतीब पे कर दिया जो मर्जी निकाल लो आप असल तो यहाँ पे मा, मामला सिर्फ ये था ठीक है कि आपने क्या करना है प्रॉफिट इज़ एटी परसेंट ना नो विक ट्वेंटी परसेंट से कैसे नीचे वाली इक्वेशन बनी है प्रॉफिट इज एटी परसेंट बोल दिया उसने अब सी प्लस फिज इक्ल टू एस है खामोश हो तो सी को हंड्रेड लेना मार्कअप लेना खामोश हो तो हमेशा क्या लेना है मार्कअप लेकिन ये फिक्स एसेट है इसमें कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा बुक वैल्यू कॉस्ट नहीं हो सकती तो बस इस तरह से एक वजन बन गई ठीक है अच्छा अब हमारे पास ये गेन आ गया है ये तो ग्रॉस गेन है ठीक है हम क्या करेंगे जी अगले स्टेप में हम अगले स्टेप में क्या करेंगे जी इसको नेट करेंगे तो ग्रॉस गेन पकड़ा ग्रॉस गेन सेवन पॉइंट टू और इसमें से लेस क्या कर देंगे जी डेप्रीसी अब सेवन पॉइंट टू बाय रिमेनिंग लाइफ सवाल में कितनी गिवन है फाइव इयर्स तो डिवाइडेड बाय फाइव लेकिन डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक कितना अर्सा बनता है ये इसी साल के अंदर छः महीने पहले हुआ था तो छः बटा बारह आ गया जी बताएं बताएं कितना है सेवन पॉइंट टू कितना जी वन पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन टू और नेट गेन क्या आ गया सिक्स पॉइंट फोर अभी आप एंट्री करने ही लगे थे कि एकदम से झमाका हुआ और झमाके ने क्या कहा टू ए टू एस नहीं है टू ए तो फौरन ख्याल आया ओहो अच्छा यहाँ पर तो एक एसोसिएट की हर ट्रांजैक्शन ठीक है तो पी शेयर जी पी शेयर सिक्स पॉइंट सॉरी हाँ सिक्स पॉइंट फोर एट का फोर्टी परसेंट कितना बनता है जी टू पॉइंट सिक्स ज़ीरो ठीक हो गया जी अब इस टू पॉइंट सिक्स ज़ीरो से एंट्री पास फरमाएंगे आप ठीक है जी तो एंट्री क्या होगी अब वो आप देख लो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए आप कहोगे जी ज़रा तरतीब से ध्यान से देख लेते हैं जी किसने बेचा किसने बेचा पी ने बेचा तो पी का प्रॉफिट कहाँ पड़ा है सीआरी में पी का प्रॉफिट सीआर में पड़ा है तो सीआर को कर देंगे डेबिट किसने खरीदा महंगा एसेट किसने खरीदा ए ने तो किसके एसेट्स में पड़ा होगा ए के एसेट्स में और वो हमारे पास यहाँ पे मन... ये तो पेरेंट और सब्सिडी के हैं पी और एस के हैं ए के तो एसेट्स हैं ही नहीं तो ले देकर ज़ोर किस पे निकाल देना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ठीक है तो डेबिट करेंगे सीआरई, डेबिट कर दो भाई कर दो भाई कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स को और क्रेडिट कर लो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को टू पॉइंट सिक्स ठीक है जी ये एक अदद और एडजस्टमेंट भी हो गई जी बच्चों तो किसने बेचा पेरेंट ने तो प्रॉफिट किसने कमाया तो पेरेंट का प्रॉफिट ये पड़ा है इसको कर दो डेबिट कितने से 2.6 किसने खरीदा ए ने ए के एसिड्स हमारे पास नहीं पड़े तो फिर इन्वेस्टमेंट पे जोर निकाल दो तू. अच्छा अगर ये ए टू पी भी होता ना तो भी ए ने प्रॉफिट कमाया होता है ए का प्रॉफिट यहीं पड़ा है डेबिट लेकिन फ़र्क ये पड़ता कि पी के एसिड्स हमारे पास पड़े थे तो ये यहाँ पर माइनस कर देते हम ठीक है और सही है और भाई मेरे ओ भाई मैं ठीक है अच्छा यहाँ पे क्या लिख लें आप ये क्या है जी एसिड का को नाम था पी पी व पी पी कर दो पी पी प्लांट पी पी लेकिन ये क्या है जी ये क्या है जी पी टू ए है तो पी टू ए जब ट्रांजेक्शन होती है ना तो उसका जोर यहां पे निकल जाता है असल मसला ये है क्योंकि ए के एसिड्स ए का स्टॉक ये चीजें हमारे पास पड़ी नहीं होती बैलेंस शीट में ठीक है ना तो पी पी, पी टू ए तो सियारी में आज भूचाल सा आ गया है एसोसिएट ने जितना भी गेन कमाया हमें उसके फोर्टी परसेंट में पी ने कमाया लेकिन पी ने जितना भी गेन कमाया किससे कमाया वैसे उसमें से असल में असल में कोई और से हमें सरोकार नहीं है हमने जो कमाया देखो पी के लिए ये कोई और आउटसाइड वर्ल्ड है असल में तो अगर गेन कमाया पी ने तो उसमें से हमें कोई और वाला जो गेन है वो तो हमारा वैसे ही चल रहा होता है ना ठीक है हमें सिर्फ मसला किससे होता है आपस वाला इसको रिवर्स करो बाकी कमाया हुआ तो सारा कमाया हुआ पड़ा हुआ है साठ परसेंट पड़ा हुआ है वो पड़ा रहने देंगे कमाया हुआ गेन है ना लेकिन बाकी साठ जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से है वो रियलाइज है मैं वैसे इस बहस में जाना नहीं चाह रहा लेकिन कोई और क्या है आउटसाइड वर्ल्ड है आउटसाइड वर्ल्ड है तो इसके साथ जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी रियलाइज है अब जैसे ये गेंद सारा पी ने कमाया था लेकिन 60 परसेंट को हम कह रहे हैं अच्छा है अच्छा है, रखो अपने पास हमें किससे से सर को आ रहा है इस वक्त इस 40 परसेंट से जो एसोसिएट से हमने कमाया बाकी तो बाहर के लोगों से कमाया ये कुछ कहानी ऐसे है फिलहाल आज चलने दो ना आज पहला दिन है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हार्ट थोड़ी बहुत समझ आ भी गई होगी कुछ बच्चों को इससे लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ फ़िलहाल ये याद करें कि एसोसिएट के साथ होने वाली हर ट्रांजेक्शन को हमने अपने शेयर लगा के करना ठीक है ना बाकी समझ आई है थोड़ी बहुत आउटसाइड वर्ल्ड है कोई और हमारे लिए क्या है आउटसाइड वर्ल्ड रियलाइज आ नहीं लिया लेकिन छोड़ो यार ऐसी बहस में पढ़ रहे हो फजूल वाली बहस में ओके पार्ट टू करना है चलो जी कर दो पार्ट टू